Hey guys, welcome back to another new vlog. और पता है स्टूडियो में मैंने है रिनोवेशन का काम चालू किया है, ठीक है। तो अभी मेरे साथ कौन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ है अभी ये, ठीक है, कल आया है और मामा जी भी आए हैं, तो मामा जी के साथ पूरी फैमिली आई है। तो मैंने सोचा ये साथ में है तो चलो ना काम चालू किया जाए बिना किसी देर के। लाइट फिटिंग का जो है मेरा स्टूडियो में चल रहा है, कैसी लाइट है, कौन सी लाइट है, वो भी लाइट तो मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन पूरी तरीके से आपको नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो अच्छे से पैकिंग में है। तो बाहर से और आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से जो है उसकी पैकिंग होती है और कितनी मैंने ली है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ पर लगानी है और कहाँ पर नहीं वो तो आप लोग जो है वीडियो में देख लेना। पहले जो है हम लोगों ने कैसे लगाई है, क्या क्या मेहनत की है, ठीक है, वो सब कुछ दिखाई दे। तो पहले आपको स्टूडियो दिखा दीजिए। अभी तो फाइनली हम लोग जो है डबल साइडेड टेप लेने गए थे, वो क्या है ना गाइस, यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे गांव में ऐसी कोई दुकान नहीं है, ऐसी कोई शॉप नहीं है जहाँ पे हम लोगों को डबल साइडेड टेप मिल सके, ठीक है ना। यहाँ पे इतना आप लोग समझ सकते हैं कि ये गांव जो है ना इतना इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नहीं आया है कि ऐसी एक शॉप हो जहाँ पे सब कुछ मिल जाए स्टेशनरी, ठीक है। तो बाहर जाना था हम लोगों को, हम लोग यहाँ से मांगरोर जो है सिटी है, ठीक है, तो वहाँ पे वहाँ से यहाँ से आई थिंक 11 किलोमीटर दूर है। हमने सोचा वहाँ पे इतनी दूर एक टेप लेने जाएंगे तो जाने तो वाले थे लेकिन एक शॉप यहाँ पे थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक चक्कर मारा जाए। तो वहाँ पे अगर फाइनल हमें वहाँ से जो है टेप मिली है, हम लोग को जो है इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ा, हम लोगों को जो है टाइम बच गया हमारा। तो अभी फाइनली जाएंगे घर पे, फिर देखते हैं किस तरह से लगानी है टेप और मिलते हैं फिर आपसे बाद में, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग घर पे मिलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। आपको भी पता है मैं अभी मेरा स्टूडियो को जो है नया बना रहा हूँ, थोड़ा सा जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो है मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा अलग बनाया जाए, क्योंकि आपको पता है मेरे अगले व्लॉग्स में मैंने मेरा स्टूडियो दिखाया है, बहुत ही बड़ा स्टूडियो नहीं था मेरा पहले, और अभी आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि इस पूरे रूम को जो है मैं स्टूडियो बना दूँ, ठीक है। पहले के व्लॉग्स में जो ये दो वॉल थी, यानी कि एक ही वॉल है, वो ही एक मेरी स्टूडियो की, यानी कि यहाँ ही मैं काम करता था, लेकिन अभी जो है मैं थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये पूरा रूम जो है वो पूरा स्टूडियो बना रहा हूँ, और सोच रहा हूँ कि जो है जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए क्योंकि बहुत सारा टाइम तो इसमें चला ही गया है। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ अभी कोई है नहीं, यहाँ पे मेरा भाई है तो वो अभी कॉलेज कर रहा है तो वो अभी पढ़ने में ध्यान दे रहा है, तो इसीलिए जो है मेरे स्टूडियो में मैं अकेला ही हूँ। तो अकेला कहाँ कहाँ तक हम लोग जो है पहुँचे वो आप ही सोच सकते हैं। तो फिर भी मैंने जो है, मेरे मामा जी का लड़का अभी आया था तो उसने थोड़ी बहुत हेल्प की, मैंने आधा स्टूडियो तो बना ही दिया है, ठीक है। 50% स्टूडियो का जो काम है ना वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये है यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये RGB स्ट्रिप्स है, यहाँ पे दो RGB स्ट्रिप्स मैंने ली है, ठीक है, दो है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला प्लेजर गैलेक्सी SMD LED पैनल लाइट है, ये LED स्ट्रिप लाइट्स है, यानी कि यहाँ पे जो है ये लाइट्स मैंने स्टूडियो के लिए ली है, ठीक है, और क्योंकि ये शॉप वाला जो है जान पहचान का ही है, इसलिए जो है उससे मैंने जाना कि कौन सी लाइट बेहतर है कौन सी नहीं, और उसके बाद डिसाइड करने के बाद मैंने ये RGB लाइट का
जो है बोला कि मुझे जो है लाइट्स चाहिए। मुझे एक कोई लाइट नहीं चाहिए थी, अभय को भी चाहिए थी, यानी कि मेरा जो फ्रेंड है व्लॉग में आता है, आपको भी पता होगा, मेरा बचपन का दोस्त जो है, 10 साल हो चुके आई थिंक हमारी दोस्ती के, तो उसका भी स्टूडियो है। अगर आगे पॉसिबल होगा तो मैं उसका भी स्टूडियो दिखाऊंगा। वो दिन में अगर पॉसिबल होगा तो उसके स्टूडियो पे जाएंगे, और उसका स्टूडियो भी आई थिंक बन ही चुका होगा, तो वहाँ पे भी देख कर आएंगे। ठीक है, तो ये RGB लाइट्स है। यहाँ पे मैंने कौन सी कलर की ली है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नहीं नहीं बता रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं, क्योंकि जब लाइट स्टार्ट होते हैं ना तब अलग ही माहौल होता है, इसलिए जो है लाइट का कलर अगर आपको मैं अभी बता दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कौन सी जो RGB लाइट्स होती है, RGB लाइट्स वो मैंने नहीं ली, यानी कि एक ही स्ट्रिप में बहुत सारी लाइट्स होती है वैसा मैंने नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि ये वो बहुत ओवर हो जाएगा, स्टूडियो नहीं ये बार लगेगा नाइट क्लब लगेगा, फिर स्टूडियो नहीं लगेगी। वो मैंने अभय को कॉल किया था और उसको मैंने बताया कि भाई मेरा रूम का जो है इतना लेंथ है, वो यहाँ पे आया था, फिर हम लोगों ने जो मेजरमेंट लिया सब कुछ, और मेजरमेंट लेने में भी बहुत ही 2 से 3 घंटे आई थिंक चले गए थे, क्योंकि प्रॉपर मेजरमेंट लेना था और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, वैसा कुछ करना था। उसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर जो है RGB लाइट की लेंथ है मेरे पूरे रूम की। मैंने 30 मीटर मंगाई है, 2 पैकेट है इसमें, एक में दो और एक में दो, यानी कि इसमें जो है 14.5 मीटर इसमें और 15.5 मीटर इसमें है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग मैंने करवाए, क्योंकि आप लोग भी सोच सकते हैं कि इतना सारा पावर 30 मीटर में एक साथ नहीं जा सकता, क्योंकि आगे की लाइट तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगी लेकिन पीछे जो है पावर नहीं पहुंचेगा, इसलिए पीछे की जो सारी लाइट्स होगी वो डिम हो जाएगी, इसलिए 30 मीटर तक लाइट जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसने बोला कि भाई 2 पार्ट्स आपको बनाने होंगे, 2 कनेक्शन देने होंगे, तो मैंने बोला भाई 2 कनेक्शन हो गए तो स्टेबिलाईजर भी मुझे 2 ही चाहिए होंगे। ठीक है, तो फिर स्टेबिलाईजर यानी कि आपको, रुकिए मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह का जो है स्टेबिलाइजर होता है, और लाइट्स में जो है स्टेबिलाइजर रखना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर लाइट जाएगी तो फिर शॉर्ट सर्किट होने का जो है ज्यादातर चांसेस रह सकता है। तो यहाँ पे ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे सीरीज गोल्ड और प्लेटिनम वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, देखो। और बहुत सारे कलर है, व्हाइट है, रेड है, पिंक है, ग्रीन है, और RGB कलर है, यानी कि बहुत सारी लाइट्स एक ही लाइट में आ जाती है वैसे। और 60 वोल्ट की जो है ये पूरी की पूरी LED स्ट्रिप है, ठीक है, इसमें स्टेबलाइजर भी दिया गया है, और विथ इसमें 10 mm का वेट है, मॉडल भी है, सीरीज कौन सी है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आपको पता है ऐसे स्टेबलाइजर के 2 बॉक्स है, यानी कि 2 स्टेबलाइजर इसमें हमें दिए गए हैं। 2 दिन से जो है मैं लगातार शॉपिंग ही कर रहा हूँ गाइस, 2 दिन से मैं लगातार शॉपिंग में लगा हुआ हूँ, और कल ही मैं गया था, और आज तो पॉसिबल नहीं था, आज भी जाना ही था लेकिन आज पॉसिबल नहीं था। कल मैं गया था और मैं कुछ लेकर आया हूँ स्टूडियो के लिए, तो आपको दिखा था, वो भी फाइनली बैग वहाँ पे पड़ा, बैग लेकर था। तो जो है मैं स्टूडियो के लिए थोड़ा सा, आई थिंक मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये सब कुछ लेकर आऊँगा, लेकिन मैं लेकर आ गया फिर, तो बैग को रख के साइड में। और यहाँ पे जो है मैंने ये जो है ये कुछ है, ये पेपर्स है, ये अगर आप लोग एकदम लाइट बंद कर देते हैं तो पहले तो ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब एकदम अंधेरा होता है ना तब ये जो है एकदम चमकते हैं, ठीक है, एकदम ब्राइट हो जाते हैं और ये जो है लाइट एमिट करते हैं, यानी कि एक आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, इस तरह से आपको लगेगा। ज्यादातर कलर्स के पेपर्स ऐसे होते हैं, ज्यादातर कपड़े भी ऐसे होते हैं जो नाइट के समय पे जो है ग्लो करते हैं, तो ये पेपर्स जो है इसमें ज्यादातर इसमें जो पेपर है वो नाइट के समय पे, यानी कि जो मैं स्टूडियो के लिए लाइट लाया हूँ ना गाइस, वो लाइट में जो है ये ग्लो करेगी, बहुत सारे पेपर्स है देखो। ठीक है, तो इसको रखते हैं साइड में, और ये यहाँ पे जो है इस तरह के मैंने कुछ प्रिंट करवाया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे वॉल पे भी लगाना है, तो अगर मैं मेरा जो है चैनल का नाम यहाँ पे लिखता हूँ तो उसमें जो है ये साइड में लगेगा, तो आई थिंक अच्छा लगेगा, इसलिए ये पेपर है। बाकी पूरा मैंने नाम लिखवाया है, पूरा चैनल का नेम और वो सब मैंने यहाँ पे लिखवाया है। तो ये तो मैंने कल ही करवाया, एक दिन में ये सारा कुछ करवाया, और बाकी का जो है अभी फाइनल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो मैं जो है मेरी रिंग लाइट में, पूरा जो ये रिंग लाइट है उसमें ही मैं
लेंस लगा के जो है शूट कर रहा हूँ मेरा व्लॉग, तो कल मेरा ऑर्डर आने वाला है तो लेने जाना है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि वो भी मैंने स्टूडियो के लिए ही मंगाया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टूडियो के लिए ही मंगाई है क्योंकि इन्वेस्ट तो मैंने किया है इसमें, ठीक है। अभी देखते हैं, पूरा कंप्लीट होने के बाद मेरे पूरे स्टूडियो का टूर मैं करूँगा, ठीक है, पूरे स्टूडियो का टूर करूँगा ताकि आपको पता चले कि भाई स्टूडियो में जो है बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत किया है। एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, इतना तो किया है मैंने। तो अभी फाइनली मैं आपको जो है मेरा मैंने क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको थंबनेल में तो देख ही गया होगा, ठीक है, ऑलरेडी, तो ठीक है बनाते हो, दिखाता हूँ मैं आपको। आधा बन चुका है, आधा जो है पूरा कंप्लीट होने के बाद, स्टूडियो पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखेगा, लेकिन अभी मैं आपको आधा दिखाऊंगा, ठीक है। तो निकालने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है इस ट्राईपोड से। ये बड़ा वाला ट्राईपोड है मेरा, देखो बड़ा वाला, बहुत ही ज्यादा हैवी वेट का है। सो गाइस, ये जो है मैंने अभी बनाया है, ये आधा कंप्लीट हो चुका है। आपको इसमें अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि भाई इसमें तूने क्या किया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ स्टूडियो की। गाइस अभी देखो, मैंने लाइट्स मेरी जो है आधी स्टूडियो की मैंने ऑन कर दी है, और यहाँ पे देखो ये कैसे चमक रहा है, आप लोग देखो, ठीक है, ग्लो नहीं कर रहा है। देखो वो कैमरे में जो है बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा, क्योंकि कैमरा जो है इस लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे से नहीं दिखा पाता है। देखे यहाँ पे देखो, अगर मैं मेरी आंखों से देखूँ यहाँ पे रूम में, तो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है, लेकिन कैमरे में जो है मैंने ब्राइटनेस कम की है, क्योंकि ये ऐसी लाइट्स होती है ना, आरजीबी लाइट्स जो सारी होती है, एलईडी स्ट्रिप्स होती है, वो कैमरे में जो है एकदम धुंधलापन जो है आ जाता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे ये मैं पूरा बनाया हूँ, ये यहाँ पे जो मैंने लाइनिंग वगैरह सब कुछ की, आँख और सब कुछ बनाई, वो इस पेपर से बनाई है। आप लोग देखो कि ये पेपर एकदम चमक रहा है, और जो है कैमरे में इतना ज़्यादा ग्लो नहीं करेगा, लेकिन मेरे हाथ में अगर ऐसे पकड़ के रखूँ ना, तो यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर मेरे हाथ में भी पड़ रहा है, देखो। तो इस ऐसा भी एक ये भी है, ये भी ग्लो कर रहा है, देखो, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है। और फिर ये जो धागा है ये भी ग्लो करता है, देखो, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मेरा पूरा कुछ सामान है यहाँ पे, देखो, ये जो भी ग्लो करेगा ना, वो एकदम आपको सामने दिखेगा। देखो ये भी ग्लो करता है पूरा, बहुत सारे धागे ऐसे हैं जो ग्लो करते हैं। तो इस धागे की मदद से मैंने जो है कटिंग वटिंग सब कुछ करने के बाद यहाँ पे इसको लगाया है, और यहाँ पे देखो ये इसकी जो टंग और वो सब कुछ है अभी बाकी है, पूरा टीथ बाकी है, और वहाँ पे जो है मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस, हाईलाइट करने के लिए मैं ये तीन हाईलाइटर लाया हूँ, कल कल गया था मैं, तो जो है ये मैं स्टेशनरी से ये तीन हाईलाइटर लेकर आया हूँ, जो कि इसमें मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं पूरा कैसा दिख रहा हूँ आपको पता चल रहा होगा। तो ये पूरा बनाने में मुझे एक दिन लग चुका था पूरा, यानी कि जब भी मुझे टाइम मिलता था इसमें लगाता था, जब भी टाइम मिलता था इसमें लगाता था, स्टूडियो पर भी लगाता था और इसमें भी लगाता था। तो फाइनली आधा स्टूडियो बन चुका है, अभी अभी क्या करने वाला हूँ वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी जो भी मैं चीजें लाया हूँ वो पूरी कंप्लीट करनी है, जो भी आरजीबी स्ट्रिप बची है, यानी कि एलईडी स्ट्रिप बची है, वो भी पूरी कंप्लीट करता हूँ। फिर स्टूडियो कंप्लीट होने के बाद जो कल का प्रोडक्ट आएगा उसको लगाने के बाद, पूरा स्टूडियो कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा कि मेरा स्टूडियो किस तरह से बनाया, किस तरह से हमने बनाया है, बिहाइंड द सीन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। चले चलते हैं वहां पे बैठते हैं, क्योंकि अभी जो है मेरा फेस प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, चले चलते हैं। आपको अंदाजा आ चुका होगा कि मैंने जो है मेरे स्टूडियो में किस तरह से जो है यहाँ पे पूरा जो है प्लानिंग किया है, किस बनने के बाद जो है हम लोग पूरा स्टूडियो आपको दिखाएंगे, पूरा स्टूडियो कैसा लग रहा है, और जो है एक पूरा व्लॉग स्टूडियो के ऊपर ही बना दूंगा, स्टूडियो टूर कर लेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि जो है अगर आपको भी जो है बिगनिंग से स्टार्ट किया है और थोड़ा थोड़ा होके आपके पास जो इन्वेस्टमेंट करने के पैसे आ चुके हैं, और अब अगर आप स्टूडियो में लगाना चाहते हैं तो किस चीज़ पे हमें ज़्यादातर जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो आपको पता चल जाएगा। लोग रेगुलर मिलेंगे, एक भी ऐसा दिन नहीं होगा कि जो है मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊंगा, मेरे वीडियोस नहीं आएंगे, और पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि एक भी ऐसा दिन ना जाए। लगातार वीडियोस मैं बनाऊंगा, लगातार मेहनत करूंगा, और जो है सक्सेस होना ही है। अभी तो जो है मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, और फिर कंप्लीट होने के बाद इसका जो है पूरा व्लॉग बनाऊंगा, स्टूडियो टूर करेंगे, और फिर जो है आपके साथ नए ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे,
ठीक है, कुछ अलग होगा, पता चल जाएगा। तो जैसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स में आपके लहलाता हुआ मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।